ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର। नमस्ते फ्रेंड, मैं बनमाली गौड़ा, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। मैं पिछले वीक में आपको, लास्ट वीडियो में मैं आपको आईपीओ के बारे में बताया था, एलआईसी प्राइवेटाइजिंग के बारे में बताया था। चलिए अभी सुनते हैं कि एलआईसी और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से सेविंग का इम्पोर्टेंस क्या है, हम सेविंग क्यों करना चाहिए और सेविंग करेंगे तो फायदा क्या होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि सेविंग करने से हमारा आम जो जिंदगी है, हमारा जो बच्चों के लिए है, हमारा फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सेविंग, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आज जो पैसा लोग कमाते हैं, बहुत सारा तरीका है पैसा कमाने का, बिजनेस करने का, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा हूँ, बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा को बचा नहीं पाते हैं। जब उनका रिटायरमेंट प्लानिंग आती है, रिटायरमेंट के टाइम आता है, तो उस टाइम लोग दूसरे के पास हाथ फैला के ही या छोटे मोटे कोई भी काम करने जाते हैं तो दूसरे के पास हाथ फैलाना पड़ता है, तो ये क्यों होता है। चलिए हम समझते हैं कि सेविंग, इनकम करना बड़ी बात नहीं है, पैसा को मैनेज करना, पैसा को सेविंग करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक ध्यान रखिएगा, ये एक आप गांठ बांध के रख लीजिए, पैसा इनकम करना बड़ी बात नहीं है, पैसा मैनेज और सेविंग करना वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में आपको मैं और एक चीज बता दूं, सेविंग करने से हमारा क्या क्या होती है, जो आगे का जो काम है, आगे का जो हमारा लाइबिलिटीज है, आगे का हमारा जो कठिनाई है, वो कठिनाई परिस्थिति में भी वो साथ देती है। और साथ साथ में सेविंग करने से हमारे बहुत सारे जो आगे का काम है उसमें काम में हम कंट्रीब्यूट, ये सेविंग होता है। और पैसा हमारे को आज समझ के पैसा बचाते हैं तो कल हमारे को ये काम में बताइए। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड दोस्त था, मार्केट में हम साथ में जॉब कर रहे थे, जब मैंने जॉब कर रहा था उस टाइम मैंने बात कर रहा हूँ, तो उसने एक आदमी, एक मेरा जो फ्रेंड है, उसने सेठ को एक बार पैसे की जरूरत के हिसाब से उसने एडवांस मांगा, और साथ साथ में 10 दिन बाकी था एडवांस मांगा, फिर 15 दिन पहले एडवांस मांगा, फिर 30 दिन पहले एडवांस मांगा। धीरे धीरे उसका एडवांस आदत पड़ गया है कि मैं ऊपर मांग के मैं घर चलाऊं, क्योंकि हम जितना इनकम करते हैं उसका ज्यादा हम खर्चा करते हैं, तो ये खर्चा हमको कंट्रोल अगर नहीं करते हैं, सेविंग के ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो कल उठ के तो सेठ आगे ये बंदे को क्या किया ना, सेठ आगे एडवांस देना, ऊपर देना ही बंद कर दिया, तो फिर वो बाहर मार्केट से ऊपर लिया, फिर ऐसे करते करते इतना बर्बाद हो गया कि आज उसका खाने के लिए फफा पड़ रहा है, खाने के लिए आज पैसा नहीं मिल रही है। तो ये आदत समझे कि हम रखेंगे, खर्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, सेविंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो कल उठ के हमारे को ये परिस्थिति हमारे भी हो सकता है। तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, सेविंग करने से दुनिया का सारे खुशियां मिलती है, सेविंग करने से दुनिया का सारे सुख और शांति मिलती है। अगर सेविंग नहीं करेंगे तो कल उठ के हमारा ये परिस्थिति देखने की पड़ेगी कि दूसरे के पास वही हाथ फैलाना, हाथ फैला के ही हमारे को जो भी छोटा मोटा काम करना है तो दूसरे के पास हाथ फैलाना ही पड़ेगा। पैसा का एक भाषा है कि आज मुझे तुम बचत करो, कल मैं तुम्हारे को बचाऊंगा, आज मुझे तुम बचाओ, कल मैं तुम्हारे को बचाऊंगा। तो ऐसे ही आज पैसा का इम्पोर्टेंस है, और पैसा हमारा कहाँ कहाँ खर्चा होता है, कैसे खर्चा होता है उसके मैं बात करूँ। हम जो एक्सेस मोबाइल अपडेशन में लग जाते हैं, मोबाइल के ऊपर खर्चा करते हैं, शॉपिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, होटल में खाने के ऊपर खर्चा करते हैं, ये सारे के ऊपर समझे कि हम थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो हमारा सेविंग के ऊपर ये सारी चीज़ थोड़ा सेविंग करेंगे तो 2-3 हज़ार आराम से हमारा महीने के बच जाएगा, वही सेविंग हमारा परिवार का हमारा बहुत साथ देगा, और आगे जाके हमारा परिवार या हम किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़े। हम सेविंग लोगों जो हम क्या करते हैं कि सेविंग करने के लिए दूसरे कैसे सेविंग करना चाहिए, कितना सेविंग करना चाहिए, हमारा इनकम क्या है, बचत, लोग ये बोलते हैं कि हमारा बचत नहीं हो रहा है तो बचत कैसे करें, तो ये सारे चीज़ अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप मिलेंगे, थोड़ा उन लोग को टाइम देंगे, जैसे हम खुद को मेकअप करने के लिए, बाल कटिंग के लिए, जैसे हम नाई को हम टाइम देते हैं, वैसे ही हमारा फैमिली के लिए, हमारे लिए सेविंग करने के लिए एक एक्सपर्ट को, फाइनेंशियल प्लानर को आप टाइम दीजिए, ताकि आप सेविंग कैसे करना चाहिए, आपको पैसा नहीं बच रहा है, कैसे पैसा बचेगा, लोग जो कर्जा होते हैं कर्जे से मुक्ति होने के लिए कैसे करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ उनके साथ डिस्कशन करिए, आपको बढ़िया से बढ़िया आपको
सलाह मिलेगा कि कैसे आप सेविंग कर सकते हो। सेविंग कम से कम इनकम का 30% होना चाहिए। और देखते हैं 30% कैसे सेविंग करना चाहिए। मैं जैसे बताया था कि 30% सेविंग आपको करनी ही चाहिए, उसका थंब रूल्स, फाइनेंशियल थंब रूल्स एक एग्जांपल लेके मैं आपके लिए आया हूँ। तो कैसे 30% सेविंग करना है उसके बारे में हम देखते हैं। 30% आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस में आपका खर्चा होगा ही होगा, मिनिमम 30% आपका खर्चा होगा। और 30% आपका जो कोई भी कर्जा हुआ होगा, कोई घर लिए होंगे, कोई गाड़ी लिए होंगे, कोई अगर कर्जे हुए होंगे, तो वो ईएमआई आप 30% आप भर सकते हो। आपका टोटल इनकम से आपका 30% हाउस होल्ड में जाना चाहिए, 30% आपका कोई भी कर्जे में जाना चाहिए, और 10% आप जैसे मोबाइल अपडेशन करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई होटल में खाना खाने जाते हैं, ये सारे चीज में आपका 10% खर्चा होना चाहिए, ताकि आपका 30 30 और 10 कितना 70% हुआ, और बचा कितना 30%। 30% आपका कंपलसरी सेविंग होना ही चाहिए, ताकि 30% जो सेविंग करेंगे, ताकि आगे आप कोई भी चीज के लिए, आप कोई भी प्लानिंग के लिए, जिंदगी के कोई भी मोड़ पे आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आपको 30% कैसे सेविंग होना चाहिए। 30% कंपलसरी सेविंग के साथ आपका 20% लॉन्ग टर्म होना जरूरी है, ताकि लॉन्ग टर्म में किस किस में आपको इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना पीपीएफ में जो होना चाहिए, एलआईसी में होना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म किसके लिए करना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन और उनका शादी मैरिज के लिए, और साथ साथ में आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग का और बच्चों के शादी के लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए कितना करना चाहिए, बाकी बचा 10%। 10% सेविंग के लिए आप किस में कर सकते हैं, बैंक एफडी में कर सकते हैं, पोस्टल आरडी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, कोई भी कंपनी डिपोजिट में कर सकते हैं। ऐसे वो किसके लिए, ना कभी आगे गाड़ी लेना है, कहीं पे फॉरेन टूर घूमना है, कोई लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, ये सारे चीज के लिए आप 10% यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टोटल 30% कैसे सेविंग करना चाहिए, 10% और 20%। देखिए अगर एज ग्रुप आपका 30 से 40 से आपका एज ग्रुप है, तो आप 10% शॉर्ट टर्म और 20% लॉन्ग टर्म करना चाहिए। आपका एज अगर समझिए कि 40 से 45 है, तो आपको 15% शॉर्ट टर्म, 15% लॉन्ग टर्म करना चाहिए। अगर आपका 45 साल से ऊपर आपका एज है, तो आपका 20% शॉर्ट टर्म और 10% लॉन्ग टर्म करना चाहिए। एज वाइज आप ये सारे अगर प्लानिंग करेंगे, तो पीछे मुड़ के आप कहीं पे किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हर एक मोड में, हर एक सिचुएशन में आप बढ़िया सा प्लानिंग कर सकते हैं, बढ़िया सा आयोजन कर सकते हैं, आगे बढ़िया आपका जिंदगी चलता रहेगा। सेविंग आज हम जैसे आगे जीने के लिए हम खाते हैं, वैसे हम परिवार को, हमारा को आगे जीने के लिए सेविंग का बहुत जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और कुछ बढ़िया सा प्लानिंग लेके आऊंगा, तब तक नमस्कार। जदि आपण एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करूँ आम चैनल सूरत ओडिया न्यूज, सूरत ओडिया स्वर।